भारत के संसदीय इतिहास में जुड़ेगा एक और नया अध्याय, पहली बार स्पीकर पद का चुनाव। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से दोबारा ओम बिरला बने उम्मीदवार, विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम। स्पीकर पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी बात, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर तरकरार। विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार खड़े किए जाने की एनडीए ने की निंदा, कहा किसी पार्टी का नहीं पूरे सदन का होता स्पीकर। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल होगा मतदान, सुबह 11 बजे सांसद करेंगे वोटिंग। नीट पेपर लीक मामले में बुद्धि सुलझाने में जुटी सीबीआई, अन्य सरकारी एजेंसियों से भी मदद। पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधियों का गठजोड़ निकलकर सामने आया, संजीव मुखिया से मिले गहरे संबंध। साइबर अपराधियों ने की थी संजीव मुखिया गिरोह के लोगों की मदद, फर्जी सिम कार्ड और शेल्टर कराया था मुहैया। फर्जी सिम कार्ड का पेपर लीक कराने में हुआ था इस्तेमाल, ईओयू ने जांच में सामने आया कनेक्शन। देवघर में पकड़े गए 5 आरोपियों में से 3 साइबर अपराधी, इनके पास 11 पोस्ट डेटेड चेक और दर्जनों सिम कार्ड। ईओयू को रांची के रॉकी की भी तलाश, संजीव मुखिया का भी भांजा है रॉकी। पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए रॉकी ने ही किया था जुगाड़, पटना में एमबीबीएस छात्रों को बनाया था सॉल्वर। रांची में होटल चलाता है राकेश उर्फ रॉकी, सूत्र के हवाले से खबर, रॉकी संजीव मुखिया का बड़ा राजदार। आरोपी गुमनाम प्रोफेसर के बारे में संजीव मुखिया और रॉकी को है हर जानकारी, सीबीआई के लिए दोनों की पकड़ना जरूरी। नीट पेपर लीक के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई, पटना सिविल कोर्ट में होनी है सुनवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, ईडी ने केजरीवाल को मिली जमानत को दी है चुनौती। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई है रोक। पुणे वर्षाकार हादसे में आज खत्म हो रही आरोपी नाबालिग की पर्यवेक्षण गृह रिमांड। बॉम्बे हाईकोर्ट आज वर्षाकार हादसे में नाबालिग की चाची की याचिका पर आदेश करेगा पारित, याचिका में की गई है नाबालिग की रिहाई की मांग। आज से शुरू होगी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी, 10,530 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी को मिली थी मंजूरी। आतिशी के अनशन पर चौथे दिन लगा विराम, आम आदमी पार्टी ने आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में पानी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे आम आदमी पार्टी सांसद। अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन। संजय सिंह ने कहा अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है, मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है। अब विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाई गई, आम आदमी पार्टी तैयारी शुरू। पांच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत बिगड़ी, 36 पर आया शुगर लेवल। एलएनजीपी अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं आतिशी का इलाज, एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी से जुड़ा वीडियो निकलकर सामने आया, हेल्थ से जुड़ी जानकारी रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी आतिशी, पहले भी डॉक्टर्स ने भर्ती होने की सलाह दी थी। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर आतिशी कर रही हड़ताल, दिल्ली में जल संकट को लेकर फैसला। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों की तरह जल संकट लगातार बरकरार, सियासी आरोपों के बीच जनता अभी भी परेशान। दिल्ली में पानी के लिए सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के मयूर विहार में पानी की भारी किल्लत, पानी के लिए लंबी लंबी कतारें।
दिल्ली के ओखला इलाके में पानी के लिए जूझते नजर आ रहे हैं लोग, सुबह होते ही टैंकों के आगे लग जाती है लंबी लाइनें। ओखला में समय पर पानी सप्लाई नहीं होना भी बनी परेशानी का मुख्य सबब, लोगों को हो रही है परेशानी। सोलन में बस्ती आसमानी आफत, भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। कई दुकान में घुस गया मलबा, कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ते होने वाला हाईवे बंद। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें, फिलहाल किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। बाढ़, बारिश और मलबे की चपेट में आकर एक ढाबा हुआ जमींदोज, अचानक आई बाढ़ में दो गाड़ियां भी टूट गई। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश, NH-48 पर लगा लंबा जाम। आज पूरे हो रहे इमरजेंसी के 50 साल, कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा ट्वीट, लिखा कांग्रेस ने किया था सत्ता का दुरुपयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस का राय तानाशाही का रवैया। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है। कंगना रनौत को लेकर आपातकाल को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, इमरजेंसी को बताया आजाद भारत का सबसे काला अध्याय। राजस्थान में बन रहा देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट लेवल ट्रैक, 220 किलोमीटर प्रति आर की गति तक रेलों का हो सकेगा ट्रायल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनाया गया देश के पहले डेडिकेटेड ट्रैक रेलवे ट्रैक। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी के तेज बहाव में बह रहे युवक के लिए देवदूत बने 3 युवक, मानव श्रृंखला बनाकर बचाई जान। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने शिरकत की। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के लिए आगे आई राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को सौंपे 50 लाख। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के बाद तैयार है नया फल, लोग ले सकेंगे वियतनाम में उगाई जाने वाली लैंगन फल का स्वागत। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने की लैंगन फल की सफल खेती, एंटी कैंसर के साथ साथ कई फायदे। रानी दुर्गावती के पास बलिदान दिवस पर जबलपुर में पुण्य स्मरण का समारोह हुआ और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में अबुआ वीर दिशुम अभियान का शुभारंभ कर दिया, कहा इस अभियान को सफल बनाना है। ओल्ड गोवा में अलावी टूरिज्म विभाग की ओर से वार्षिक का साओ जुआओ समारोह का आयोजन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती के बाद मशहूर काशी चाट भंडार पर पहुंची नीता अंबानी, पालक चाट और आलू चाट का स्वाद उठाया। नीता अंबानी ने परिवार के साथ दूसरे लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठाया, नीता अंबानी ने चाट की जमकर तारीफ की। चाट और लजीज पकवानों का स्वाद लेते हुए नीता अंबानी स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आई, फैंस ने तस्वीरें भी ली। काशी चाट भंडार में नीता अंबानी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, नीता अंबानी ने सेल्फी ली। नीता अंबानी के एक झलक पाने को लालायत नजर आया, फैंस कपड़ों की दुकान में शॉपिंग भी की। अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव की मेजबानी को तैयार है भारत, सितंबर में दिल्ली में होगा आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में जानकारी। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का होगा सोलराइजेशन, भारत में रियूजेबल ग्रीन एनर्जी पेट्रोलियम को बदलने में मदद मिलेगी। सोलर महोत्सव नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देगा, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का रखा है लक्ष्य। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया।
कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों ने अनोखे अंदाज में मनाया स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जन्मदिन। केक काटा, तस्वीर को फुट के खिलाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी मां से मिले गोवा पहुंचे मोहन शरण मांझी, मां और कुलदेवी देवताओं से आशीर्वाद। मुख्यमंत्री बाजी के साथ उनकी पत्नी का गांव में भव्य स्वागत किया गया, मां का दिखा वात्सल्य प्रेम। गुवाहाटी में महत्वपूर्ण समझौते पर किए हस्ताक्षर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी एकेडमी असम, असम सर्वे और सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर के बीच एमओयू साइन। हरियाणा का सोमवीर 2009 से एथलीट्स को दे रहा है फ्री ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी शौर्य गाथा को किया याद। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कटिहार में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई, थाने से अवैध शराब बरामद, थानेदार सस्पेंड। रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, पूछताछ लगातार जारी। रामपुर में एंटी करप्शन की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, सीएमओ ऑफिस में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को 3,000 रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। गोपालगंज में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेश भेजे जा रहे मवेशियों को बरामद किया, 5 तस्कर गिरफ्तार। डायरेक्टर अटली ने अपनी अपकमिंग फिल्म में एक साथ नजर आएंगे सलमान खान और रजनीकांत, फिल्म की तैयारी शुरू। 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी उलझ। फिल्म मुंजिया ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल, फिल्म ने अब तक कुल 87.31 करोड़ रुपए की कमाई की। कश्मीर में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं वहीदा रहमान, फोटो सामने आई। एक्टर टॉम क्रूज और एक्ट्रेस केटी होम्स की बेटी सूरी क्रूज ने कथित तौर पर अपने नाम से पिता का सरनेम हटा दिया। जूलियन असांजे 1901 के दिन ब्रिटेन की जेल से रिहा, अमेरिका से डील के बाद मिली जमानत। विकिलीक्स ने असांजे की रिहाई की मुहिम चलाने वाले संगठनों का जताया आभार। असांजे अमेरिका के अति गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में दोषी, जमानत के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। चिली में जोरदार बर्फबारी से चारों ओर बिखरी नजर आ रही है सफेद चादर, जगह जगह हिमस्खलन। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सियोक्स शहर में बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव से पुल भी टूट गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को इसराइल के रक्षा मंत्री यूफ से मुलाकात की, गाजा में युद्ध के बाद एक मजबूत योजना विकसित करने पर जोर। वेस्ट बैंक में इंसानियत को शर्मसार करने वाले वीडियो पर अमेरिका ने सख्त आलोचना की, आईडीएफ से कहा इजरायली सेना के जवानों के खिलाफ हो सकती कार्रवाई। रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हमले का अमेरिका में इंतिकाह, सर लॉस एंजलिस में अदास तोरा सिनेगोगा पर के बाहर इसराइल और फिलिस्तीनी समर्थन आपस में भिड़ गए। नेटो शिखर सम्मेलन से पहले पेरिस में नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को ब्रिगेडियर जनरल एंड्री को बनाया नया यूक्रेन के सशस्त्र बलों के संयुक्त बलों का कमांडर। यूरोपीय संघ के चुनाव के बाद इटली दौरे पर पहुंचे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन। सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात वाले फैसले की दूसरी वर्षगांठ पर लॉस एंजलिस में निकाली गई रैली, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिटी हॉल में प्रदर्शन किया।
मध्य गाजा के मगाजी शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का हवाई हमला, हमले में चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत, कई घायल। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 37 के पार। अफगानिस्तान ने रजिया इतिहास, बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल्स में बना ली अपनी पक्की जगह। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 8 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया को खेल खत्म कर दिया। क्रिकेट के मैदान से टीम इंडिया के लिए आई गुड न्यूज, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। शानदार जीत के साथ टीम इंडिया के सेमीफाइनल्स में एंट्री, 27 जून को इंग्लैंड के साथ सीधा मुकाबला। भारत ने सुपर 8 में अपना आखिरी मैच भी जीत लिया, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में मिली हार का बदला लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में ठोके 92 रन, 206 रन का दिया था टारगेट, ऑस्ट्रेलिया 181 रनों पर ढेर। बल्लेबाजी के साथ टीम इंडिया की गेंदबाजी में देखा जबरदस्त दमखम, अर्शदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट चटके, कुलदीप को 2, अक्षर बुमराह 1-1।